आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सीएम योगी ताबड़तोड़ अलग अलग जिलों के दौरे पर हैं। सोमवार को सीएम योगी 3 जिलों के दौरे पर थे। सीएम सबसे पहले हाथरस पहुंचे, फिर बुलंदशहर और फिर नोएडा। इस दौरान सीएम योगी प्रबुद्ध वर्ग कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को सीएम योगी ने लोकसभा चुनाव को लेकर दम भरा। वहीं बुलंदशहर में बोलते हुए सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले दंगा युक्त प्रदेश होता था, लेकिन अब प्रदेश के हालात बदल गए हैं और दंगा युक्त के बजाय रोजगार युक्त प्रदेश बन चुका है। मोदी जी ने निस्वार्थ भाव के साथ देश के लिए, देश की सेवा का जो कार्य किया है, इसके लिए अपने आप को लगा करके कार्य करना है। भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से विजयी बनाने के लिए कार्य करना है। इस अपील के साथ मेरी आप सबसे अपील होगी। पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की मौत के शोक संवेदना व्यक्त करने वालों का तांता लगा है। गाजीपुर स्थित मुख्तार अंसारी के आवास पर लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंच रहे हैं। इस बीच सोमवार को समाजवादी पार्टी के नेता व पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव मुख्तार अंसारी के घर पर पहुंचे। धर्मेंद्र यादव के पहले भी कई नेता मुख्तार अंसारी को श्रद्धांजलि देने पहुंच चुके हैं। वहीं इस दौरान धर्मेंद्र यादव ने मुख्तार अंसारी के घर वालों से मुलाकात कर उनका हालचाल भी जाना। जो घटना हुई पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी साहब के साथ, उनका निधन हुआ, और निधन ही नहीं, उनके स्वाभाविक निधन होता तो एक अलग बात थी। जिस तरीके के सवाल उस निधन के साथ जुड़े हैं, मैं समझता हूं देश में कभी किसी ने कल्पना नहीं की हो। असलाह धारकों के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। कोर्ट ने असलाह धारकों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने कहा है कि जनरल ऑर्डर के जरिए चुनाव के समय प्रशासन सबके असलाह जमा नहीं कराया जा सकता। हाई कोर्ट ने इसको लेकर पूर्व के फैसलों का भी उल्लेख किया। चुनाव के दौरान सामान्य तौर पर एक आदेश के जरिए प्रशासन सबके असलाह जमा करा लेता था। कोर्ट ने लंबी सुनवाई के बाद इस मामले में स्पष्ट आदेश दिया है। ज्ञानवापी मस्जिद के व्याजी तहखाने में पूजा पाठ करने के मामले में मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। सोमवार को सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि ज्ञानवापी तहखाने का प्रवेश दक्षिण से है, जबकि मस्जिद का उत्तर से। दोनों एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। फिलहाल पूजा और नमाज दोनों अपनी अपनी जगहों पर जारी रहें। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान सीजेआई ने यह फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास को नोटिस जारी करके जवाब भी मांगा है। राष्ट्रीय लोकदल यानी कि रालोद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शाहिद सिद्दीकी ने लोकसभा चुनाव से पहले सोमवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया। सिद्दीकी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मैंने अपना त्यागपत्र राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी को भेज दिया है। मैं खामोशी से देश के लोकतांत्रिक ढांचे को समाप्त होते नहीं देख सकता। मैं जयंत सिंह जी को और रालोद में अपने साथियों का आभारी हूं, पर भारी मन से रालोद से दूरी बनाने के लिए मजबूर हूं।